वहीं देहरादून से खबर, आपदा प्रबंधन सचिव का भी बयान आया है। गौरीकुंड केदारनाथ के बीच ट्रैफिक प्रभावित हो गया है, बाकी सभी रास्ते खुले हुए हैं। एसडीएमए का कहना है केदारनाथ में सभी लोग सुरक्षित हैं, लिंचौली और भीमबली में लोग फंसे हुए हैं, 500 लोगों को निकाला जा रहा है बाहर, रेस्क्यू में 4 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। एसडीएमए का ये कहना है, आज MI-70 का चिनूक भी मिला है। MI-17 से 15 लोग निकाले गए हैं, बादलों के चलते रेस्क्यू रुका हुआ है, लोगों को आज ही निकालने की पूरी कोशिश है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ मौके पर मौजूद है और केदारनाथ मार्ग सब सुरक्षित है। लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, पूरे प्रदेश में फिलहाल मौसम ठीक है, कहीं भी बारिश भी नहीं हो रही है, उत्तरकाशी में हल्की बारिश हो सकती है। तो 500 लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगा हुआ है और लगातार ये भी बताया जा रहा है कि अब कोशिश ये है कि आज ही सभी लोगों को बाहर निकाला जाए। MI-17 से 15 लोगों को निकाला गया है और क्योंकि बादलों के चलते थोड़ा रेस्क्यू रुका हुआ है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें आज ही निकाल लिया जाए, और इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं रस्सी के जरिए निकाला जा रहा है, हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। तो केदारनाथ मार्ग पर सब सुरक्षित है, एसडीएमए का ये कहना है। लोग अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बादलों के चलते रेस्क्यू जरूर रुका है, लेकिन मौसम ठीक है, बारिश कहीं नहीं हो रही है, इससे कोशिश ये की जा रही है कि आज ही सभी को बाहर निकाला जाए। तो लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, बादलों के चलते रेस्क्यू रुका हुआ है, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित हैं, लोगों को आज ही निकालने की पूरी कोशिश है। MI-17 से 15 लोगों को निकाला गया है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को निकाला जा सके। हालांकि बादल थोड़ा साफ होते हैं तो वैसे ही और लोगों को भी निकालने की पूरी कोशिश है।